अक्सर लोगों को ये मसला पेश आता है कि वो फ्लश करते हैं तो फ्लश होता नहीं है सही से, कहीं से चौक हो जाता है, और अक्सर कहते हैं की शुरू में जब आप पाइपलाइन डाल रहे होते हैं ना, उस टाइम इसका लेवल सेट करना चाहिए, एक कतरा पानी जाए उसी का निकल जाए। अच्छा, वो कैसे करते हैं ये चीज, मुलाजिम को पता होनी चाहिए ताकि जब वो पाइपलाइन डाले तो ऊपर फर्श बनाने से पहले वो खुद चेक कर ले, वो खुद दीवार रख के चेक करें कि पानी स्लोप किस तरफ जा रही है, वो हमें चेक करके दिखाएं ताकि एक ही बार नाजरीन सीख जाए। ये देखो ये अगर जी जी ये लेवल पड़ा है जी जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपकी तवज्जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले की तरफ दिला रहा हूँ, जिससे ये होता है कि जब आप फ्लश करते हैं तो फ्लश नहीं होता, अक्सर पाइपलाइन चौक हो जाती है। आप ये समझते हैं कि शायद बाथरूम की पाइपलाइन में कोई ब्लॉकेज हो गई है, कहीं से कोई मसला है, या पाइपलाइन ही टूट गई है, पता नहीं क्या रीजन है कि फ्लश करते हैं तो फ्लश होता नहीं है। तो उसका मेन रीजन एक टेक्निकल होता है जो आपको घर बनाते वक्त ध्यान रखना है, यानी जब आप पाइपलाइंस बिछा रहे होंगे तो उस वक्त आपने जो प्लंबिंग की लाइन होगी आपकी सीट के नीचे, उसका लेवल का ध्यान रखना है कि उसका लेवल किस तरीके से होगा। वही मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, और साथ ही प्लंबर से डायरेक्टली हम पूछेंगे भी कि पाइपलाइन होनी भी कितनी चौड़ी चाहिए, किस किस्म का पाइप आजकल मार्केट में सबसे अच्छा है, कि कल को खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत सेटलमेंट होती भी है आपकी बुनियादों की तो भी आपकी पाइप ना टूटे, और तीसरा ये बात कि किस तरह से उसका लेवल होना चाहिए। बस इसी के लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। मैं आपको पता ही होगा कि अपना बाथरूम पूरा तुड़वा के नया बनवा रहा हूं, तो उसमें अभी वो पाइपलाइन भी एक्सपोज हुई है, तो सोचा कि यही वक्त है कि आपको वो भी दिखा दिया जाए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं इसी किस्म का वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बनाता रहूं। ये देखें, ये मैंने अपना वॉशरूम आज पूरा तुड़वा दिया है, और मतलब इसकी जो इंडियन सीट थी वो भी निकालनी थी, वो भी निकाल दी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं प्लम्बर, इन्हीं से मैं काम करवाता हूँ सारे। कैसे अकरम भाई आप? अकरम भाई मुझे ये बताएं कि ये जो पाइप होता है ये कौन सी क्वालिटी का पाइप सबसे अच्छा मार्केट में आ रहा है, और इसका कितना डाया होता है? 4 इंच का पाइप होता है ये? डाया 4 इंच होता है जी। तो ये मुख्तलिफ क्वालिटी है, जो भी क्वालिटी आप ले ना, जिस भी कंपनी का पाइप ले जी, कोशिश करें मटेरियल उसमें अच्छा हो, बी क्लास हो या प्रेशर की नाली हो। अच्छा, सबसे जो हल्की नाली होती है वो सेवरेज की होती है, वो बिल्कुल टच होता है वो टूट जाती है। तो अच्छी नाली इस्तेमाल करें ताकि कोई वजन भी आए, कोई मसला भी हो, ये खराब ना हो। अच्छा, तो कोई खास नाम होता है किसी कंपनी? मास्टर फिट की ले ले, मास्टर की ले ले, और भी आको फिट की, जो भी कंपनी ले उसमें बी क्लास की नाली ले। अच्छा, लेवल का बताना, अक्सर लोगों को ये मसला पेश आता है कि वो फ्लश करते हैं तो फ्लश होता नहीं है सही से, कहीं से चौक हो जाता है, और अक्सर कहते हैं पी ट्रैप है बीच में, जो खासतौर पर अमेरिकन कमोड्स होता है, क्या चक्कर होता है वो बताना। शुरू में जब हम पाइप लाइन डाल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम इसका लेवल सेट करना चाहिए कि एक कतरा पानी जाए वो सीधा निकल जाए। अच्छा, वो कैसे चेक करते हैं? ये चीज नाजरीन को पता होनी चाहिए ताकि जब वो पाइपलाइन डले तो ऊपर फर्श बनवाने से पहले वो खुद चेक कर लेंगे, वो खुद लेवर रख के चेक करें आया कि पानी स्लोप किस तरफ जा रही है, वो हमें चेक करके दिखाएं ताकि एक ही बार नाजरीन सीख जाए। ये देखो ये अगर है ना, ये लाइन जा रही है, ठीक है जी। इस लाइन का मुख्तलिफ लेवल है, अगर लेवल का पानी इधर है ना, हाँ जी, तो फिर स्लोप इधर जा रही है। अच्छा, अगर पानी इधर है तो स्लोप इधर जा रही है, इस तरह आपको नजर आ जाएगा जी जी। ये लेवल पड़ा है जी, ठीक है जी, ये इधर से अगर उठा हुआ है पानी इधर आता जाएगा, जितना मर्जी उठाएंगे जी जी, ठीक है, तो इसकी स्लोप समझो कि इधर ही जा रही है, ठीक है। अगर ये लेवल इस तरह है, ये पानी देखो इस तरफ आया हुआ है, हाँ, तो फिर बैक लेवल आ रहा है जी जी, लेवल में पाइप नहीं डला हुआ, बैक रिवर्स लेवल है, फिर पाइप लाइन। सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो जहां पर सीट होगी वो वाला पॉइंट ऊंचा होना चाहिए और पीछे वाला पॉइंट नीचे होना चाहिए। तब ये देखे, ये इधर आगे करे लेवल के, ये जो पानी है ना लेवल का जी, ये आपको साफ बता रहा है कि लेवल किस सिमत में जा रहा है। अब इधर ऊपर जाएगा तो समझो कि ये लेवल ऊपर है, इधर ऊपर आएगा तो ये लेवल इधर से अप है। सही, इसको आप बेशक जब भी कोई भी काम करो आप ऊपर लेवल रख के एक दफा चेक कर लिया कर जरूर, बस ये कि जिस पॉइंट पे सीट लगेगी वहां से पाइप ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। ये चीज आप चाहे कोई खातून घर बनवा रही है, चाहे कोई जेंट हजरात घर बना रहे हैं, ये चीज चेक करना बहुत आसान है, कोई इतना टेक्निकल कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। दूसरा, ये व्यूअर्स के ये जो क्रैक आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं इस क्रैक को, इसको भी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे ऊपर टाइल्स लगाने से पहले। आप देखिएगा कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में हम दिखाएंगे। फिलहाल हम इसका फर्श अभी बना रहे हैं, तो
आज ये इंडियन सीट निकली है हिल्टी कंक्रीट ब्रेकर से, वो निकाला गया है और बस अब पहले इसकी कंक्रीट फर्श बनाएंगे और इस फर्श को थोड़ा सा नीचे भी करेंगे। अभी आप देख रहे थे ये फर्श इसके बराबर था तो यहां पर ये बनाई हुई थी, बहुत ही बुरी लगती थी। अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि हम नया फर्श का लेवल इससे नीचे रखेंगे। सबसे पहले अभी कंक्रीट करके नया फर्श बनाएंगे जिसका लेवल डाउन होगा, उसके ऊपर हम प्लास्टर करेंगे और फिर टाइल लगाने से पहले केमिकल लगाएंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अगर खुदा न खास्ता टाइल की दर्जों में से कोई सही तरह से बंद नहीं भी हुई तो भी कोई भी पानी उसमें से सीप होके नीचे से दीवार में ना आ जाए, क्योंकि ये मसला बहुत कॉमनली देखने में आता है कि बाथरूम के बाहर वाली जो दीवार होती है उसमें नीचे नीचे सेम आती है, तो वो बाथरूम के फ्लोर से ही आ रही होती है या किसी पाइपलाइन में लीकेज होती है। जैसे आपको मैंने इस बाथरूम में दिखाया है कि पीपीआर के पाइप्स थे, लेकिन पीपीआर के पाइप्स बैक साइड पर होते हैं। जैसे आप इस घर का नक्शा देख रहे हैं, जो फ्रंट वॉल है इसमें कोई पीपीआर का पाइप नहीं है, तो यहाँ पर जो सेम आ रही होती है ये फ्लोर से आ रही होती है, मतलब नहाने का जो पानी गिरता है वो टाइल्स में दर्जे सही तरह से बंद नहीं होती, उनसे नीचे जाकर और फिर वो सीप होकर दीवार में आता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपने टाइल्स लगाने से पहले केमिकल लगाना है जिसकी कवरेज होती है 25 स्क्वायर फुट और वो 1600 रुपीज़ का होता है। अगर आप मंगवाना चाहें तो हमसे मंगवा भी सकते हैं। बता दूं कि ये बाथरूम तोड़ने का मेन रीज़न ये था कि इसमें जो इंडियन सीट लगी हुई थी उसको चेंज करके हम अमेरिकन कमोड लगाना चाह रहे थे, तो एक दफ़ा जब इंडियन सीट उतरी तो उसके साथ की टाइल्स भी उतरी। आपको पता है कि वो ज़मीन में नस्ब होती है, कॉन्क्रीट में फिक्स्ड होती है, तो जब कंक्रीट टूटेगी साथ में टाइल्स भी टूटेंगी, तो फिर उसके बाद वैसे तो ये हो सकता है कि हम डायरेक्टली अमेरिकन कमोड लगा के और थोड़ा सा जो पोर्शन है जहाँ से टाइल्स उखड़ी है वहाँ पर नई टाइल्स लगा कर और बस काम को ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा जुगाड़ लगा कर फिर सारी उम्र वो दो तरह की टाइल्स देखनी पड़ती हैं, मतलब आधे फर्श पर पुरानी घिसी पिटी टाइल्स लगी होंगी और आधे फर्श के ऊपर वो अमेरिकन कमोड के इर्द गिर्द नई टाइल्स लगी होंगी, तो वो कुछ इतना खर्चा करने के बाद भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपने सीट निकलवाई ही है और आप नई सीट बनवा ही रहे हैं तो बेहतर यह है कि ना सिर्फ उस जगह की टाइल्स लगवाएं बल्कि पूरे बाथरूम की टाइल्स को रिन्यू करें। एक दफ़ा एक्सपेंडिचर तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन सारी उम्र आप खुद को कोसते नहीं रहेंगे कि उस वक्त मैंने अगर पैसे ना बचाए होते तो आज मुझे ये सूरत हाल दो तरह की टाइलें ना देखनी पड़ती अपने बाथरूम में। ये सीरीज पूरी फॉलो करें, जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, वो सब मैं नीचे लिंक्स उनके दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप सब लोग वहां से देख सकते हैं। इस सीरीज का नाम है ब्रेक ओल्ड बाथरूम मेक न्यू बाथरूम, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बिजनेस करो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फिर बाद में उसका कचरा इधर यहाँ पहन ले, फिर कचरा इधर आ जाएगा, फिर